Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. Hope you guys doing good. उम्मीद है आप सबके रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे. आज मौसम बहुत अच्छा है तो हमने सोचा कि क्यों ना आज स्पेशल इफ्तारी बनाई जाए रमजान के मुनासिब से. तो आज हम बना रहे हैं चिकन तवा पीस. स्टार्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. चलें चलते हैं हमारे किचन में. सो चिकन तवा पीस बनाने लगे हम और हम आपको बताते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट जरूरी है. ये हमारे पास चिकन लेग पीस ले रहे हैं हम. फोर चिकन को हमने वॉश कर लिए लेग पीसेस को और हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से कट लगाएंगे सारे चिकन के पीसेस में. यहाँ पीछे से पलट के भी इसको लगाएंगे यहाँ पे कट. हमने इसको अच्छी तरीके से कट लगा दिए चिकन में और हम इसको मैरिनेट करने लगे. सो गाइस चिकन तवा पीस के लिए इसकी टू टाइम मैरिनेशन होगी और फर्स्ट मैरिनेशन प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्रीन चिलीज. हमने टू ग्रीन चिलीज लिए, इसको हमने हाफ कट कर लिया. हमारे पास वन मीडियम साइज ऑनियन लिए हमने और हमारे पास लेमन है. यहाँ पे स्क्वीज करेंगे इसको लेमन को चिकन के अंदर. हमारे पास है ब्लैक पेपर पाउडर, हमारे पास है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और यहाँ हम ले रहे हैं हल्दी जाय का सॉल्ट. जी हमने इसका मसाला हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसको मैरिनेशन के लिए. फिर ग्रीन चिलीज यहाँ पे साइड में रख दी हैं. ये हमें हम जब तवा चिकन बनाएंगे जब उसमें अब ये ऐसी एज इट इज डालेंगे ये इसमें. सेकंड मैरिनेशन के लिए हमने ले रहे हैं यहाँ पे टू मीडियम साइज टोमेटोज हैं, वन होल ग्रीन चिली है हमारे पास और गार्लिक क्लोव्स हैं हमारे पास 4-5 और कोरिएंडर लिया है हमने थोड़ा सा 1 फिस्ट और इसके अलावा हमारे पास है 1 मीडियम साइज ऑनियन, 2-3 पीस हमने यहाँ पे जिंजर के यानी अदरक. चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे इस एज इट इज. ये सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं ग्राइंडर में. ये हमारा ग्राइंड हो गया सारे इंग्रेडिएंट्स और ये लगेगा जाएगा चिकन के ऊपर मैरिनेशन. इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पे ग्राइंड हो गए और हमें अब चाहिए यहाँ पे तंदूरी मसाला. हमने लिया यहाँ पे 2 टेबल स्पून मसाला है. यहाँ पे कोई सा भी तंदूरी मसाला आप ले सकते हैं. 1 टेबल स्पून गरम मसाला और हमने लिया 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन. इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है. ये देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया हमारे पास और इसको हम लगाएंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चिकन के ऊपर और इसको हम 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे. ये हमने साइड पे निकाल ली है ग्रीन चिलीज और ये ऑनियन और हम इसमें ऐड करेंगे अब चिकन के ऊपर मसाला अप्लाई करेंगे हम उसके ऊपर. इस तरीके से आपने सारा ये जो इंग्रेडिएंट्स आपने ग्राइंड किए थे उसको अच्छी तरीके से सारा कट के अंदर और चारों पीसेस पे आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है. अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन ताकि इसकी थिकनेस जो है अच्छी हो जाए और ये देखें सर इसे हम ऐड करेंगे और उसको फिर अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है. ये देखिए हमने मसाला इसमें सारा अच्छी तरीके से डाल दिया है, मिक्स कर दिया है इसको हमने और ये जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास ग्रीन चिली और ऑनियंस जो है हमने इसके साथ ही मिक्स कर दिए हैं और इसको हम अब मैरिनेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए. सो गाइस हमारा तवा चिकन की मैरिनेशन हो गई है कम्प्लीट. हम ले रहे हैं यहाँ पे बटर. आप चाहें तो इसमें देसी घी या आप ऑयल के साथ भी इसको बना सकते हैं. हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है बटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे.
फ्लेम हमारा जो है मीडियम पे है और इसको हम बटर हमने 2 टेबलस्पून लिए। अब हम इसमें मैरिनेटेड तवा चिकन इसमें मिक्सर हम इस तरह से डाल देंगे। साथ में हम ये रखेंगे अनियन और ग्रीन चिली और फ्लेम मीडियम पे अभी हमारा फ्लेम हमारा अभी तक मीडियम पे है और इस तरह से हमारे पास ये 3 पीसेस हमने इस तरह से डाल दिए। साथ में आप अनियन साइडों में डाल दें इस तरह से और इसको थोड़ी देर के लिए आप मीडियम हीट पे इस तरह से फ्राई करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ऊपर से, इस तरह से आप 2 टेबलस्पून तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसको, अब हम टर्न करेंगे और चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। ये देखें आप ऊपर मीडियम फ्लेम पे हमने किया हुआ है, ये देखें अब हम इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट्स हो गए हैं, हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमी की ज़रूरत है तो हम इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट्स मोर कुक करेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त तवा चिकन रेडी हो गया गाइस और हम इसको डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त तवा चिकन तैयार है और ये देखें आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलें। अल्लाह हाफिज़।